मैं सबसे पहले तो सभी अपने समाजवादी पार्टी के सांसदों को बधाई देना चाहूंगी और साथ में उत्तर प्रदेश के सभी जनों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जहां उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति का आज सहयोग करके एक भारी संख्या में लोगों को सांसद संसद में पहुंचाने का जो काम किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सबको। अयोध्या की चीज बहुत महत्वपूर्ण है, उस पे जिस तरह से मैं समझती हूँ वो लोगों का लोकतंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो वो अपने प्रतिनिधित्व को अपने हिसाब से चुनते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग नाखुश थे और उन्होंने अपना सांसद जो चुना है वो समाजवादी पार्टी का चुना। आखिरी सवाल लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि ये जो अगर तीसरा काल अगर शुरू हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि वो जो मूलभूत जो असुविधाएं लोगों को हुई हैं और जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई का जहाँ सवाल है, जहाँ महिला के सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है, जहाँ पे आप कार्यकर्ताओं पे तो FIR लिखा रहे हैं लेकिन अगर लोग जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, वो FIR लिखवाए जाते हैं तो उनकी FIR कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है, तो इन सब जो जनता के मुद्दे अगर उस पर ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि जनता को भी सुविधा और सहूलियत पहुंचेगी और भाजपा की भी जो इमेज जो बनेगी उसमें भी सुधार कहीं ना कहीं होगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।